नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वर्ष 2022-23 कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो ऐसे अभ्यर्थी जो टाइपिंग और कंप्यूटर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जिनका कंप्यूटर अपना एक विषय है, उनके लिए लगातार कहीं ना कहीं केंद्र से चाहे राज्य से वैकेंसीज आती रही हैं और एक बार फिर आपके लिए बहुत बेहतरीन वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत ही रुतबा वाली वैकेंसी आई है जो सामने आप देख रहे हैं इसरो से। इसरो में आप सभी के लिए डिफरेंट पद, असिस्टेंट के पद हैं, कहीं ना कहीं जो लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनो, इनके लिए वैकेंसी निकली है। कुल मिला के 526 पद की वैकेंसी है। इसके बारे में एक एक डिटेल में आपको यहां पे बताने वाला हूं सेशन में, कहां से आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कब इसका एग्जाम होगा, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में एक छोटी सी एकदम बहुत कम समय में देने वाला हूं। इसके बाद भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो इस पे बनाऊंगा, स्ट्रेटजी की बनाऊंगा, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हो और आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, सारी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। वीडियो के सेशन के बाद भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे प्रश्नों का जवाब यहां पर दिया जाएगा। तो आते हैं इस वैकेंसी को, जैसा आप देख रहे हो कि सिंबल से लोगों से पता चल गया होगा और ये लोगों बच्चों जो भी होते हैं अभ्यर्थी उनके दिलों की धड़कन होती है कहीं ना कहीं, अगर इसरो की बात करें। और इसरो में अगर आपको जॉब करने का मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये वैकेंसी बहुत आसानी से, ये परीक्षा बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। सब कुछ मैं बता रहा हूं कि पहले देख लो किस किस पद के लिए है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट, डिफरेंट टाइप के असिस्टेंट्स होते हैं, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, ये आप इन्हें LDC भी बोल सकते हो, लोअर डिवीजन क्लर्क बोल सकते हो, ऊपर से फिर UDC है, अपर डिवीजन क्लर्क, और उसके बाद तीसरा है स्टेनोग्राफर। कुल मिला के चार प्रकार के पद हैं, जिसमें से दो पद आपके LDC, एक UDC और एक आपका क्या है, स्टेनोग्राफर। बहुत अच्छा है, लगभग मिनिमम 25,500 बेसिक पे से स्टार्ट होता है। और जब आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जो भारत की जान होती है, कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट का जो आपका एक पूरा मिलता है, उसमें आपको इतने अलाउंसेस मिलते हैं कि सैलरी आपके डबल नहीं ट्रिपल के करीबन में पहुंचती है, भले आप क्लर्क लेवल पे जॉब कर रहे हो। तो बहुत अच्छा है ये, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। बायलिंगुअल इन्होंने दिया है, ये आप देख सकते हो कि पद पोस्ट नंबर क्या है, सहायक असिस्टेंट के। ये बच्चों जोन वाइज निकालते हैं, जैसे क्या है कि अब इसरो का अलग अलग जोन होता है। जोन वाइज मतलब ये नहीं है कि आपका स्टेट वाइज, नहीं, ये इनकी डिपार्टमेंट जो पोस्टिंग होगी उसकी बात कह रहे हैं कि कुछ अहमदाबाद में होगा, कुछ बेंगलोरी में होगा, ये जहां जहां पे इनके ऑफिसर्स हैं वहां वहां पे इनकी पोस्टिंग होगी। ऑल ओवर पैन इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है और पद बहुत अच्छे हैं। अगर आप अहमदाबाद, बेंगलुरु, उसके बाद आप देखोगे हसान में, हैदराबाद में, श्रीहरिकोटा में, तिरुवनंतपुरम में, मतलब जो एक आपकी ड्रीम होती है ऐसे बच्चों की, वहां पे आपकी पोस्टिंग है। और कुल मिलाकर ये सारे 526 पद हैं। अगर हम केवल इनकी बात करें जो आपका सहायक असिस्टेंट का है, 339 पद लगभग आपके इसी में है। उसके बाद पद संख्या जो दो है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के, ये सारे अगर हम जोन को इकट्ठा करके देखें, जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, तो इसमें 153 पद हैं। उसके बाद अगर हम अपर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसमें 16 पद हैं, ये आपके केवल अपर डिवीजन क्लर्क का केवल बेंगलुरु में है, ये मैं आपको बता दूं। और स्टेनोग्राफर का अगर देख लूं तो केवल बेंगलुरु में यहां पर 14 पद है। उसके बाद फिर असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, इसके भी दो पद अलग से दिए गए हैं, यहां पे दिया हुआ है। ये सारी चीजें, पोस्ट आर आइडेंटिफाइड टू बी फिल्ड एट एनी SAC सिलोंग, ये सब जो सिलोंग में पोस्टिंग होगी उनकी बात कर रहा है। तिरुवनंतपुरम में इसके तीन पद हैं। तो ये दो तीन कुल मिलाकर अगर आप देखो, ये सारी वैकेंसी एक ही है, एक ही पेपर देना है आपको, एक ही एग्जाम निकालना है, ओवरऑल आपकी मेरिट लिस्ट भी जो बनेगी, एक साथी बनेगी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी। तो अल्टीमेटली जो ये दिए हैं वो कोई जोन नहीं दिया है, ये आपकी पोस्टिंग की जगह दी हुई है, बस दैट्स इट। वैकेंसी आपकी टोटल 526 वैकेंसी है, एक ही पेपर, इसमें आपके टोटल तीन कैटेगरी, एक, तीन कैटेगरी, एक, छह कैटेगरी में दिया गया है। जैसे आप देखोगे तो सहायक, अवर श्रेणी लिपिक जो असिस्टेंट्स और अपर डिवीजन क्लर्क को पद संख्या 135 में किया गया है, और जो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, इनको क्या किया गया है, पोस्ट नंबर 246 में दिया गया है। ठीक है, ये अलग अलग है, आप ऐसे देखोगे तो ये 6 मतलब 6 में ये आते हैं, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन वाले आते हैं। उसके बाद 4 में आता है कौन सा, स्टेनोग्राफर। उसके बाद फिर जो 2 में आता है वो आपका कौन सा आता है, यहां पर जो सबसे ज्यादा, ये वाला जो आपको बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये इसकी बात करें जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का। और जो 135 है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने की मिलेंगी, जैसे पहले वाले पद में 339 आप देखोगे तो ये पहले वाले पद में आपको देखने को मिलेंगे, टोटल जोन को इकट्ठा एक साथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है,
153 इसमें आ रहा है पद नंबर दो में, और जो 339 आ रहा है वो पोस्ट नंबर किसमें आ रहा है, एक में आ रहा है। अगर हम थोड़ा और ऊपर आके देखें तो जैसे पोस्ट नंबर वन है जो सहायक असिस्टेंट की बात कर रहा है, टोटल अगर 125 केवल इसमें बेंगलुरु में ही है, 339 आ रहा है। तो कुल मिला के सारे पे ही आपके काफी वैकेंसीज यहां पे देखा जाए तो काफी पद हैं, और इसमें दो कैटेगरी किया जाएगा, एक किया जाएगा कौन सा, 135 में, 246 में। ये चीज आपको थोड़ा सा जरूरी है देख लो कि इसमें क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए। फॉर्म फिलिंग आज से ही आपकी चालू है, 20 दिसंबर से ही चालू है, और आपका 9 जनवरी तक केवल फॉर्म भरा जाएगा। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, 20 दिन का आपको केवल टाइम दिया जाएगा। इसकी परीक्षा भी आपकी जल्द हो जाएगी, फरवरी मार्च में आपकी परीक्षा हो जाएगी, और इसकी पोस्टिंग भी बहुत जल्द हो जाती है। हाँ, आपके दो इसमें शेड्यूल होंगे, एक आपका क्या होगा रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट में कंप्यूटर बहुत विधिवत पूछा जाता है, यह मैं आपको बता दूं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे 135 है इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, यह आप यहां पर देख सकते हो क्या मांगा है। यहां पे आपसे केवल ग्रेजुएशन मांगा है विद मिनिमम 60% मार्क्स और सीजीपीए 6.32 का होना चाहिए, जैसे कई पॉइंटर में जो कैलकुलेट करते हैं, मैं उनकी बात करूं तो ठीक है। और उसके बाद इसने इसमें देखो तो इसमें भी ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स ही मांगा है, और कुछ इसमें नहीं मांगा है। फिर अगर हम आगे देख ले तो कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता होनी चाहिए, इसके लिए अलग से आपको कंप्यूटर का टेस्ट, स्किल टेस्ट कराया जाएगा। ये आप देखो तो हर एग्जाम में कंप्यूटर का नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो आशीष सर आपको बहुत अच्छा पढ़ाते ही है। बाकी स्टेनो वाले में जो 246 होता है इसमें क्या होगा, इसमें आसोलिपिक के अलग से 1 साल का एक्सपीरियंस एज स्टेनो टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर होना चाहिए। स्टेनो वाले में आपका 1 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस है जो स्टेनो होना चाहिए, या कहीं से भी बनवा सकते हो। इसने ऐसा नहीं लिखा है कि कहीं गवर्नमेंट उससे हो, कहीं भी आप बनवा लोगे तो वो भी आपका काम बन जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी अब मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ये 246 के लिए है, तो इसमें बाकी में 80 वर्ड पर मिनट भी मांगते हैं स्टेनो, इसमें तो 60 ही मांगा है, तो आसान भी है स्टेनो वालों के लिए, मैं बता दूं। उसके बाद फिर बताया कि इन केस ऑफ डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम, कोई ऐसा जिसमें एकीकृत दो या एकीकृत उपाधि कार्यक्रम में मामले हों, तो उसमें से ये दिया हुआ है, ये नोट मैं आपको अलग से भी बता दूंगा। वेयर सीजीपीए परसेंटेज फॉर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इज मेंशन सेपरेटली इन द डुअल इंटीग्रेटेड डिग्री सर्टिफिकेट एग्जिस्टिंग प्रोसीजर फॉर रिकॉग्निंग। अभी इसके लिए परेशान मत हो, ये मैं इसको अलग से बोल दूंगा, इसमें कुछ अलग से नहीं है, बस आप ऐसे समझो कि सिंपल सा आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके बाद एज लिमिट आप सबसे ज्यादा पूछते हो, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 9/1/2023 को, 9/1/2023 को मतलब कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अगर आप 28 वर्ष पूरे हो गए हो, जहां भी पद आरक्षित है, या फिर अभ्यर्थियों के लिए 31 वर्ष, ये जो आपके दिए अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष, अगर मैं इसे इंग्लिश वाले में पढ़ूं तो ज्यादा सही है, 28 साल आपके हो जाने चाहिए कहां पे, 9/1/2023 पे। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 31 साल है, कितना 31 साल है, और 33 साल है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, इसमें आप अगर क्लियरली समझो तो ठीक है, क्योंकि यहां पे एब्रीवेशन यूज कर दिया है तो यहां पे वो उतना क्लियर नहीं हो रहा है, इंग्लिश वाले में आपको क्लियर हो गया है। तो अल्टीमेटली आपको मान के चलना है कि 28 साल यहां पे चलना है, बाकी जो एज रिलैक्सेशन समय मिलता है वो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे अगर देखें यहां पे एक नोट इन्होंने क्या दिया है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिजल्ट फॉर पीडब्ल्यूबीडी हैव टू सबमिट अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं उन्हें सेल्फ असर्टेड खुद से अटेस्ट करके उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट क्लियरली इंडिकेटिंग द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये सब बताते हुए बाकी सारी चीजों में यही लिखा रहता है, इसमें भी वही लिख रहा है। आगे हम लोग देख लें डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% का दे रहा है। आवेदन की जो विधि है वो ऑनलाइन होगी, मैं आपको बता दूं 100 रुपया इसका फॉर्म है, ठीक है, केवल 100 रुपया है, इसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी केवल जनरल का, बाकी सबके लिए 0 रुपए ही है, फ्री का फॉर्म है, ये आपको अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सारे आवेदन शुल्क वगैरह मैं आपको बता दिया, ऑनलाइन का तरीका ये सब नेट बैंकिंग वगैरह से हो जाएगा, ठीक है, ऑफलाइन मोड में भी इसे जमा कर सकते हो, लेकिन लोग ऑनलाइन ही करते हैं तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है। इसे हम लोग देखते हैं कि आपका चयन किस आधार पे होगा, तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपके में 4 प्रकार के होंगे, जो आपको उत्सुकता है मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 पार्ट पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी, मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा, कंप्यूटर आपका रिटन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो आपका स्किल टेस्ट है उसमें आपका पूछा जा सकता है। अब उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो जनरल आपको प्रैक्टिकल करवा ले, वो मैं आगे आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आपको करना है, और स्टेनो में तो वो कंफर्म 60 वर्ड परमिट से स्टेनो ही करवाएंगे, ठीक है।
तो इसमें 120 मिनट का पेपर होगा, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा और टोटल 50-50 मार्क्स के होंगे, लगभग 200 क्वेश्चन। अभी मैं एक बार इसका लेक्चर देख लेता हूं कि 25-25 करके पूछेगा या 50-50 करके पूछेगा। वैसे 50-50 मार्क्स है, इस बात को आप समझिएगा। 2 घंटे का पेपर होगा। एक चीज आप समझिएगा कि आपको रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50% लाना ही लाना है, मतलब जो 4 भाग है ABCD 50-50 के, उसमें 50% अनरिजर्व के लिए लाना है और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए लाना है। ये चाहे आप 1-3-5 वाले हो, चाहे आप 2-4-6 वाले हो, इसमें आपके जो असिस्टेंट वाले हैं और इसमें जो आपके स्टेनो वाले हैं, इसे आप क्लियरली समझते हुए चलना। 1-3-4 और 2-4-6 को समझते हुए चलना, पोस्ट वाइज बताता हुआ चल रहा है। इधर वाला कॉलम 1-3-4 का है, इधर वाला कॉलम 2-4-6 का है। जो स्किल टेस्ट है उसमें आपको क्या करना है कि इसमें परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट के आधार पे 5 गुना बच्चे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। मिनिमम 10 होंगे, लेकिन ये वो इसलिए लिखा है कि जब बच्चे ना वहां पे हो, लेकिन ये सब बातें कि मिनिमम विद 10 कैंडिडेट, ये सब कहने की बात है। इतने फॉर्म पढ़ते हैं कि पता नहीं लाखों लाख बच्चे होते हैं, हजारों बच्चे होते हैं, 10 की बात छोड़ो। एक सीट पे 5 गुना को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्या होगा? स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका सिलेबस मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूं। इसमें पूछेगा क्या? तो इसमें जो पैटर्न ऑफ स्किल टेस्ट है वो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। इसको मैं अभी आपको दिखाता हूं, दोनों में ही होगा। लेकिन जो इसमें 2-4-6 वाले में है, इसमें स्टेनो वाले पद के लिए स्टेनोग्राफी भी होगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। 2-4-6 के लिए केवल स्टेनो के लिए, 2-4-6 में भी केवल स्टेनो के लिए स्टेनोग्राफी होगा, बाकी के लिए नहीं होगा। इस बात को आप समझिएगा। अगर यहां पे देखें, हां ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा किसमें क्या मांगा है, स्किल टेस्ट में क्या मांगा है। एक चीज आप समझिएगा कि इसमें जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट पासिंग क्राइटेरिया होना चाहिए, और 60% आपका अनरिजर्व कैटेगरी में और 50% रिजर्व कैटेगरी में आना ही आना चाहिए, जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। और स्टेनोग्राफी में 10% आपकी मिस्टेक्स अलाउ है बस, और उसके बाद ये जनरल के लिए, और बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए 12% मिस्टेक अलाउड है। उसके बाद बोला है कि इफ द सफिशियंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर इम्पैनलमेंट सेलेक्ट लिस्ट एंड वेट लिस्ट डू नॉट क्वालिफाई द स्किल टेस्ट, देन द एडिशन कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, ये इसमें एक वेटिंग लिस्ट का भी प्रोसीजर बहुत अच्छे से पहले बता दिए। जैसे आप एएसआई वाले बच्चे परेशान हो कि सर अगर स्टेनो में सीट खाली हो जाए तो वेटिंग लिस्ट का एक निकालना चाहिए, इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अगर हमें पर्याप्त बच्चे स्टेनो या इसमें नहीं मिल पाते हैं पद के सापेक्ष, तो नीचे से बच्चे दोबारा बुला लिए जाएंगे, जो पहले कट ऑफ जनरेट होगा उसके बाद भी बुला लिए जाएंगे। ये बात आप समझते हुए चलना। और फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल किसके होगा? रिटन के आधार पर होगा। यह आपका क्वालिफाइंग, मतलब अगर आप 60-50% क्वालिफाई कर जाते हो तो आप फिर क्या होगा, रिटन एग्जाम पे ही मेरिट बनेगी, उसी के आधार पे आपका चयन होगा। ये मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। और अगर टाई होता है तो जो इंग्लिश में होगा उसमें आधार पे आपका किया जाएगा, और इस वाले में जो आपके 1-3-5 वाले हैं उसमें जनरल इंटेलिजेंस के आधार पे, यहां पे रिटन टेस्ट के आधार पे जो टाई के होगा, जैसे मान लो 2 बच्चों के बराबर स्कोर आते हैं तो जिसके इंग्लिश में ज्यादा होगा 2-4-6 में उसको लिया जाएगा, 1-3-5 में जिसका जनरल इंटेलिजेंस में ज्यादा होगा उसको लिया जाएगा। बस ये है, ये सारी बातें डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। जो वेतन है वो 25,500 के अलावा जो डीए मिलेगा आपको, जो एचआरए मिलेगा, उसके बाद जो टीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये सारी ही चीजें इसमें दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के आपका बहुत अच्छी खासी सैलरी दे देता है। इस पे जॉब प्रोफाइल सब कुछ की एक वीडियो अलग से पोस्ट कर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाए। कहां से इसका आवेदन करना है तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये आप जैसे ही जाओगे इसकी वेबसाइट पे, इसरो के कुछ नहीं सरकारी रिजल्ट ही ओपन कर लोगे, वहां से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको इसरो का दिखाता हूं। ये है पूरा एडवर्टीजमेंट नंबर, और यहां पे प्रिंट योर एप्लीकेशन, मेक पेमेंट, पेमेंट स्टेटस, चेंज रिटर्न टेस्ट, यहां से होगा। जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट पे क्लिक कर दोगे, वो उसके एप्लीकेशन के लिए हो जाएगा। 6 प्रकार के पद हैं, 6 फॉर्म भरे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी कैटेगरी से हो, महिला हो, तो कोई भी वहां पे पद नहीं, कोई भी शुल्क नहीं लेगा। केवल जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए लेगा, मतलब प्रत्येक पद के लिए 100-100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। एक से ज्यादा पद के लिए आप आवेदन भी कर सकते हो। उसके बाद अगर पोस्ट नंबर 1 असिस्टेंट के लिए देख ले तो ये टोटल वैकेंसी साथ में दिए हुए 339। पोस्ट नंबर 2 के देख ले तो टोटल जो वैकेंसी दिया हुआ है 153। पोस्ट नंबर 3 के लिए देख ले तो 16। पोस्ट नंबर 4 के देख ले, ये स्टेनोग्राफर है पोस्ट नंबर 4, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 14 ही पद हैं इसके लिए। और असिस्टेंट फॉर फिलिंग ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर, इसके लिए 2, और यहां पे 3, 1, 4 इसे मिला लीजिए, टोटल 3 पद है। उसके बाद इसके लिए टोटल 1 पद है। तो ये वैकेंसी आपको पोस्ट नंबर 6 वाली, पोस्ट नंबर 5 वाली कोई बहुत ज्यादा मतलब की नहीं है। वैकेंसी आपके मतलब है पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, और अगर कोई बच्चा
यूडीसी और स्टेनो का भी भरना चाहता है तो इसमें पद की संख्या तो केवल 16 और 14 है। मेन आपका जो पद है ज्यादा वो आपका दो ही है, एक आपका कौन सा है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और एक आपका असिस्टेंट का है, मतलब दोनों ही कैटेगरी का अलग अलग का, एक पहला पद और दूसरा पद, वो दोनों आपके लिए ज्यादा अच्छा है। बाकी जिनको स्टेनो आती है वो तो स्टेनो भर ही दे। यहां पर अगर हम देखें हाँ, तो असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 1-3-5 के लिए और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए 2-4-6 पद के लिए देखो, तो ये ग्रेजुएशन मैंने आपको बता ही दिया, कंप्यूटर आना चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, इसमें डिप्लोमा वाले भी, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल सेक्रेटरीएट प्रैक्टिस विद मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ सीजीपी, डिप्लोमा वाले भी यहां पे कर सकते हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ स्टेनोटाइपिस्ट यहां पे होना चाहिए अगर आपका डिप्लोमा है तो, या और क्या होना चाहिए, मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्टेनोग्राफी होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। यूडीएससी वाला जो है उसमें भी आपका ये मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्टेनोग्राफी होनी ही चाहिए, तभी ये 2-4-6 की कैटेगरी अलग से बनाया हुआ है। बाकी मैं इसकी डिटेलिंग आपको एक बार कर दूंगा, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, ये फॉर्म भरने के तरीके इसमें बताए गए हैं। मैं सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा पद है उसको मैं आपको दिखा दूं कि क्या इसमें सिलेबस में है। तो सिलेबस अगर आप देखो, हाँ अगर मैं सिलेबस आपको दिखा दूं तो ये जो सिलेबस है जनरल इंग्लिश के नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन है, 50 ही है, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन होंगे आपके, 120 मिनट में होंगे, 2 घंटे में होंगे, एक पॉजिटिव होगा और आपका 1/4 नेगेटिव होगा, इस बात को ध्यान देना है, और 50% आपको क्वालिफाई ही करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, 50% से कम वाले इसमें नहीं, उसमें आएंगे ही नहीं मेरिट लिस्ट में। तो वैसे भी मेरिट की बात होती है तो हमें 50% नहीं देखना होता है, ये बात अलग है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ यहां पे नहीं है, ठीक है, या सेक्शन एक बार देख लूंगा सेक्शन कट ऑफ है कि नहीं, एक बार मैं कंफ्यूज हो रहा हूं बट मैं एक बार आपको देख के बता दूंगा। तो ये आपका लेक्चर 1 के लिए है, सिलेबस आपका वही है, क्वांट में क्या पूछेगा, नंबर सिस्टम परसेंटेज, नंबर सिस्टम हो गया पूरा, अरिथमेटिक हो गया, उसके बाद आपका मेंसुरेशन हो गया, जो ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री में ट्रायंगल सर्कल क्वाड्रिलेटरल लाइन और एंगल पूछेगा बस, और मेंसुरेशन में एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा खासा ट्रिग्नोमेट्री पूछ सकता है, और क्वाड्रेंट ज्योमेट्री भी पूछेगा, फैक्टर्स भी पूछेगा, मतलब पूरा एसएससी वाला सिलेबस है और अच्छा खासा सिलेबस इसमें आपका दिया हुआ है। रीजनिंग का भी ऐसे ही है, जनरल नॉलेज का भी आपका ऐसे ही है, अच्छा खासा इसमें कन्वेंशनल प्रकार का पूछेगा और इंग्लिश में भी दिया हुआ है इस प्रकार का, आप इसे देखते हुए चलो। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं तो जो 2-4-6 पद के लिए, ठीक है, पद संख्या जो 2-4-6 के लिए है उसको भी देख लूं कि यहां पे जो स्टेनो वाला पार्ट है, हाँ, इसमें 50% इन कैटेगरी ए बी सी होना चाहिए, मतलब जो 3 जो 2-4-6 का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ओपन नहीं हो रहा है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, समस्या आ रही होगी, इसमें क्या होना चाहिए, चारों ही कैटेगरी में इन पार्ट ए बी सी डी, मतलब ईच सेक्शनल कट ऑफ 50% है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इश्यू आ रहा है, हाँ एक बार मैं आपको ओपन करके इसे दिखा दे रहा हूं। चलिए आप यहां से मैं इसका लिंक दे दूंगा तो आप एनेक्सर 2 में देख लीजिएगा, अभी आप समझिए यहां पे ये ओपन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, कुछ इशू आ रहा है, इस वेबसाइट पे इशू आ रहा है, तो यहां पे है नहीं। मैं आपको ऐसी जानकारी दे दूं कि इसमें भी पार्ट ए बी सी डी है, 50-50-50-50, इसमें भी वही है 50-50-50-50, इसमें से इंग्लिश में आपका क्या पूछ सकता है, अलग से आपका कंप्रेहेंशन भी पूछ सकता है, इसको आप देखिएगा। स्किल टेस्ट का देखें तो स्किल टेस्ट में जो एनेक्शर है, हाँ ये एनेक्शर ओपन नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये सिलेबस और पैटर्न स्किल टेस्ट कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट का है, इसको मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और यहां पे भी आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इन्हीं सबसे चीजें आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पासिंग क्राइटेरिया इसमें दिया है 60% अनरिजर्व के लिए, 50% इसमें जो आपके कौन से हैं कैटेगरी वाले हैं, और इसमें कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट दोनों पूछेगा, और इसका भी अलग से दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हो, जो नीचे लिंक दिया हुआ है। पैटर्न ऑफ स्किल टेस्ट जो दिया हुआ है ये स्टेनोग्राफी का, ये एनेक्सल 4 में दिया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट अगर देखा जाए तो ये 60% मार्क्स इसमें होना चाहिए, और स्टेनो में 10% अनरिजर्व के लिए पासिंग मार्क दिया हुआ है, 12% किसके लिए दिया है, कैटेगरी के लिए दिया है। इतनी सी जानकारी जो बेसिक है वो मैं आपको यहां पे दे दे रहा हूं, बाकी मैं इसकी डिटेलिंग आपको एक वीडियो बना दूंगा। ओपनिंग डेट 20 तारीख है, लास्ट डेट 9 तारीख है, लास्ट डेट पेमेंट का है 11 है, तो देर मत करिए, इसके फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। और जो इसकी तैयारी है बच्चों, वो मैं आपको बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत व्यापक
बैच लेके आएगी, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे, सारे नोट्स दिए जाएंगे, और आपको जो सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारी ही चीजें आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। कहां से प्राप्त कर सकते हो मैं आपको बता दूं, इसका फी वगैरह सब कुछ मैं डिटेल कोर्स में आपको बता दूंगा। अभी इतना बता रहा हूं कि जो इनिशियल होगा उसमें बहुत बम्पर ऑफर चलेगा, मतलब जो ये परीक्षा प्लस ऐप से सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। इनिशियल में इसकी फीस 499 से ज्यादा नहीं होगी, 499 में ही आपके चारों पोर्शन, चारों विषय आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर वाला भी इसी में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ये आपका इनिशियल है। लेकिन इसकी फीस केवल 2-3 दिन ऐसी रहेगी, क्योंकि जो जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो पुराने बच्चों के लिए ये फीस, ये ऑफर रहता है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाता है। तो बाद में आप लोग ये मत कहिएगा सर फीस बढ़ गई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें आपको सारे ही चारों पार्ट कवर कराया जाएगा, मतलब इंग्लिश आपका कवर कराया जाएगा, इसमें आपका मैथ्स कवर कराया जाएगा, इसमें आपका रीजनिंग कवर कराया जाएगा, और इसमें आपका जीएस कवर कराया जाएगा, और इसमें आपका कंप्यूटर कवर कराया जाएगा, एमएस वर्ड एक्सेल जो सारी चीजें पूछ रहा है वो सब कुछ यहां पे कवर कराया जाएगा। क्या मिलेगा आपको? लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास इसमें आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी। इसमें सारे के सारे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, इसमें सारे ही नेसेसरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ये आपको कहीं भी अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जो ग्रुप डिस्कशन होता है, स्ट्रेटजी होता है, जो आपका मार्गदर्शन होगा समय समय पे, मतलब फॉर्म भरने से लेकर और आपके सिलेक्शन तक, टीम परीक्षा प्लस आपके हर परीक्षा में साथ रहती है, इसमें भी रहेगी, बहुत विधिवत तरीके से आपकी तैयारी होगी। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, परीक्षा प्लस ऐप एक बार जरूर डाउनलोड कर लो, वहां पर देखो आपका कल तक ये कोर्स आपका लॉन्च हो जाएगा, मैं डिटेलिंग इसकी दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।